देखिए कांची पुल का टूटना और चूहे का कतर जाना, यही रघुवर दास के शासनकाल में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का खेल हुआ है। और आप यकीन मानिए, जब हम कांची पुल के उद्भेदन होंगे तब यही भाजपा के नेता एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहने लगेंगे कि इस भ्रष्टाचार में जो है राज्य की सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही है। कौन है वो आदित्यनाथ पांडे संवेदक जिसने मुख्यमंत्री और उस समय के ग्रामीण मंत्री के कहने पर और उनके इशारे पर वो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर जितेंद्र दास, जितेंद्र गुप्ता और वो तमाम लोग जिन्होंने इस कांची पुल को निर्माण में अनियमितता बरती, और वारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ये कहते हैं कि बालू के रेत निकल गए इसलिए पुल धस रहे हैं। जाकर देखो इस राज्य में कितने पुल बने हुए हैं, रांची का ओवर ब्रिज जो लाइफ लाइन है इस शहर का, और आपके शासनकाल में बनाए गए 10 पुल ध्वस्त हो गए। ये इस बार जो डबल इंजन की सरकार ने जो ये खेल किया है, यहाँ के पैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनाव में खर्च हुए हैं, ये सब के पर्दाफाश होंगे। और जब ये बड़ी और ये इंजीनियरों की मिलीभगत जो एक बार फिर से कहना शुरू कर दिए कि ठेकेदार ने आश्वासन दिया है अपने पैसे पर, ईश्वर की कृपा है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना वो संवेदक आदित्यनाथ पांडे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितेंद्र दास, जितेंद्र गुप्ता चीफ इंजीनियर, ये तमाम लोगों के खिलाफ जिसके संरक्षण और संवर्धन में ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो दिन दूर नहीं जब पूरी रिपोर्ट जब आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के ये सफेद पोशों के काले कारनामे जग जाहिर होंगे।